नमस्कार। जम्मू से खबर है कि जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में जो ज़िले के जो गांव के लोग हैं वो उन्होंने लश्करे तोयबा के दो आतंकवादियों को पकड़ लिया। ग्रामीण लोग जो गांव के लोग थे उनकी निडरता और जज्बे को देखते हुए पुलिस ने काफ़ी उनकी सराहना की है। और जानकारी के अनुसार रियासी ज़िले के तकसन गाँव में सुबह आज रविवार को गांव के लोगों ने दो संदिग्ध लोग जो थे वो उनको घूमते वहां देखा और उसके बाद तुरंत बाद गांव के लोगों इकट्ठे हो गए और उनको घेर लिया। घेरने के बाद उनको दबोच लिया और दोनों आतंकियों को रस्सी से बांधकर और तुरंत उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। और इस ग्रामीण लोगों की ये निडरता और जज्बा देखते हुए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने 2 लाख रुपए इनाम की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने ग्रामीणों की बहादुरी का सम्मान करते हुए 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। मौके पर पुलिस ने दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया था और दोनों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है कि एक तो जो फैजल डार के पुत्र बशीर अहमद डार जो बारामुल्ला के निवासी हैं और दूसरे जो आतंकवादी की पहचान तालीब हुसैन के पुत्र हैदर शाह जो रजौरी के रहने वाले हैं उनके तौर पर हुई। आतंकवादियों के कब्जे से 2 AK-rifle और 7 हथगोले और 1 pistol बरामद हुई। इसके साथ ही अगली खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में 90 लाख मतदाताओं की जारी होंगे रंगीन फोटो पहचान पत्र, अधिसूचना इसमें जारी है। परिसंघ आयोग की रिपोर्ट को धरातल पर उतारने और आगामी विधानसभा चुनावी की तैयारी के तहत चुनाव विभाग जम्मू कश्मीर में 90 लाख मतदाताओं के रंगीन फोटो वाले पहचान पत्र बनाएगा। इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार सिंह ने निविदा आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। और कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में स्कूलों में लगे मजहबी नारे के उपयुक्त ने दिए जांच का आदेश दिया है। और विश्व हिंदू परिषद में शिष्टमंडल प्रधान हंसराज भूतियाल ने उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा को बताया कि कुछ दिन पहले मॉडल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत माता की जय के बजाय बहुसंख्यक समाज के छात्र धार्मिक नारे लगाने लगे। इसके बाद इससे इस प्रकार की घटना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में भी हुई और इस घटना को काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है। जो बॉयज़ और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में कुछ दिनों से राष्ट्रगान के बाद बहुसंख्यक समाज के विद्यार्थी धार्मिक नारे लगाते नजर आ रहे हैं, साथ ही वे भारत माता की जय बोलने वालों को धमका भी रहे हैं। ये मामला DC के संज्ञान में आने पर CIJO की को पहचान का आदेश देकर जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त से की शिकायत और शुक्रवार को एक शिष्टमंडल प्रधान हंसराज भूतियाल के नेतृत्व में उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा से मिला। उन्होंने उपायुक्त को बताया कि कुछ दिन पहले मंडल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ में भारत माता की जय के बजाय बहुसंख्यक समाज के छात्र के लोग धार्मिक नारे लगा रहे थे। अमरनाथ यात्रा 2022 में बाबा के अजब भक्त ने बालटाल आधार शिविर से शुरू किए ई रिक्शा सेवा। बुजुर्ग और बीमारों के लिए ये सेवा फ्री है। लंगर के प्रधान शीलू वर्मा ने बताया कि कुछ 5 ई रिक्शा सेवा में लगाए हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा पर आने वाले बुजुर्गों, बीमार या ऐसे यात्री जो चल नहीं पाते उनके लिए निःशुल्क सेवा रखी गई है। उन्होंने बताया कि ये रिक्शा 2 बार संचालित किए जाएंगे और उन्होंने कुल 5 रिक्शा की सेवा में लगाया है। और बाबा बर्फानी की यात्रा पर आने वाले बुजुर्ग, बीमार और जो ऐसे यात्री जो चल नहीं पाते उनके लिए ये सेवा निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि ये रिक्शा 2 बार संचालित किए जाएंगे, सुबह 4 से 8 बजे तक बालताल से दोमेल तक और शाम को 4 बजे से रात 10 बजे तक दोमेल से थके यात्रियों को बालताल तक ई रिक्शा से पहुंचाया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के केएस के अभ्यर्थियों से मिले उपराज्यपाल और उनकी परेशानी को समझने की कोशिश की, और उन्होंने फिर बाद में उन्होंने एक कमेटी भी बनाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जेके केएस के अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उपराज्यपाल ने अभ्यर्थियों को पेश आ रही समस्याओं को जाना और उन्होंने दूर करने का आश्वासन भी दिया। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि आज राजभवन में जेकेएस के उम्मीदवारों के साथ बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि युवा केवल स्वयं के सपनों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के लिए एक अच्छे भविष्य की भी तलाश में हैं। उपराज्यपाल ने उम्मीदवारों को यह भी आश्वासन दिया कि मुख्य सचिव की देखरेख में एक कमेटी बनाई जाएगी जो उनकी परेशानियां को दूर करेंगी।